की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेहद बड़ी खबर अमृतसर से, बुताला गांव में अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मारी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। तो अमृतसर से बेहद बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या, बुताला गांव में अज्ञात लोगों ने गोली मारी है युवक को। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है पुलिस। तो अमृतसर से बेहद बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुताला गांव का पूरा मामला जहां पर अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जजबीर जुड़ चुके हैं। जजबीर, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अमृतसर के बाबा बकाला में भूताला गांव में ये जो वारदात है सामने आई है। देर रात की बात है कि 1:30 बजे के आसपास ये युवक जो है कनाडा से आया था और शादी से लौट रहा था, जिस समय अज्ञात लोगों ने इसे गोली मार के इसकी हत्या कर ली। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन लोगों ने गोली मारी है और कितनी गोली वहां पर लगी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। फिलहाल मौके में वहां पर पुलिस ने पहुंच के वहां पे जो राउंड है वो गोलियों के जो है वो अपने कब्जे में ले लिए हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनका कहना था कि आपसी रंजिश के चलते हो सकता है कि ये युवक को गोली मारी हो, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये युवक कनाडा से वापस आया था और इसकी रंजिश कैसे हो सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लूट खो का मामला भी हो सकता है। उसके अलावा भी काफी एंगलों से पुलिस जो है इसको अब देख रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आती है। दिन रात के समय में इसके साथ में ये युवक अकेला आ रहा था, इसके साथ वाले पीछे आ रहे थे, जब थोड़ा सा बीच में गैप पड़ा गाड़ियों का तो उस समय इसको रोक कर वहां पे गोली मार के इसकी हत्या करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है वो अभी किसी तरह का बयान देने से जा रहे हैं। उनका कहना है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी बनती कार्रवाई होगी निश्चित तौर से की जाएगी। जी पूजा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जजबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जजबीर अमृतसर से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस,